बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। लोग घर से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में अब भी बिहार के सरकारी विद्यालय नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं, जबकि निजी विद्यालयों में गर्मियों की छुट्टियां चल रही है। इस बीच कई जिलों के विद्यालयों से छात्र छात्राओं के बेहोश होने की खबरें भी सामने आ रही है। भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में आज भीषण गर्मी के कारण लगभग दर्जन भर बच्चे बेहोश हो गए। प्राथमिक विद्यालय गंगटी, मध्य विद्यालय मुरनहाट, मध्य विद्यालय चकदरिया सहित अन्य कई विद्यालय के बच्चे गर्मी के चपेट में आए हैं। इसमें कई बच्चे बेहोश भी हो गए। विद्यालय के शिक्षकों द्वारा मुंह पर पानी छींटने व अन्य प्रयास से बच्चे होश में आए। BPNPSS मूल के प्रखंड अध्यक्ष सह जिला सचिव वीर शिवाजी ने बताया कि भीषण गर्मी कारण गोराडीह प्रखंड में लगभग दर्जन भर बच्चे बेहोश होने की सूचना मिली है। विद्यालय मुरनहाट में भी एक बच्चा बेहोश हुआ, जबकि मेरे सहकर्मी भी भीषण गर्मी के चलते बेहोश हो गए हैं। उन्होंने विभाग और जिला प्रशासन से इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की है। वहीं विभाग से गर्मी को देखते हुए उचित निर्णय लेने की भी मांग रखी है। मध्य विद्यालय मुरनहाट में वर्ग सप्तम की सुप्रिया कुमारी, वह भी अचानक क्लास के दरमियान जो वार्षिक मासिक मूल्यांकन चल रहा था उसी के दरमियान बच्चे धीरे धीरे संश्लेष हो गई। उसके बाद वर्ग शिक्षक श्री आलोक कुमार वहां से सूचना दिए प्रधानाध्यापक को, फिर उसको लाया गया, फिर उसे पानी का छिट्टा और कई देरों के बाद मिनटों के बाद फिर होश में आई। इस तरह का गोराडीह प्रखंड में दर्जनों वैसे विद्यालय की सूचना मिल रही है। कहना चाहेंगे जिला प्रशासन और अपने विभाग को कि निश्चित तौर पर इसे संज्ञान में ली जाए, अन्यथा आने वाले जैसा कि गर्मी बढ़ रहा है और भी कई घटनाएं घट सकती है। हमारे ही सहयोगी शिक्षक श्री मनोज कुमार मंडल भी अचानक अभी अवकाश के पहले कुछ देर पहले वह भी कार्यालय में बैठे बैठे काम कर रहे थे और अचानक जो है वह बेहोशी की हालत में आ गई। पत्नी को परमानेंट नौकरानी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने अपने ही पति से दूसरी लड़की के साथ शादी करवा दी। ये दिलचस्प मामला जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सैनो गांव का है। शादी के चार दिन बाद से ही पति ने मारपीट करना शुरू कर दिया। जब दूसरी पत्नी ने पहली पत्नी के साथ पति को देखा तो पूछा तो उसने बताया कि ये मेरी पत्नी है। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। शादी के 20 दिन बाद दूसरी पत्नी वापस दिल्ली से भागलपुर पहुंची। उन्होंने मंगलवार को महिला थाने में लिखित शिकायत कर पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता का कहना है कि मेरे से धोखेबाजी से शादी किया गया। मेरे पिता रिक्शा चलाकर घर का भरण पोषण करते हैं। गरीब घर की लड़की को देखकर उन्होंने हमसे शादी की। दिल्ली जाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं नौकरानी के लिए तुमसे शादी किया हूँ। दरअसल जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सैनो गांव निवासी संजय रविदास की पुत्री काजल कुमारी से हिंदू रीति रिवाज के साथ मुंगेर के खड़गपुर थाना क्षेत्र के रतनी निवासी हीरालाल दास ने 2 मई को शादी की थी। 4 मई को काजल और हीरालाल दास दिल्ली के लिए रवाना हुए। 5 मई को दिल्ली पहुंचे। 1-2 दिन तो ठीक रहा, उसके बाद पहली पत्नी संगीता देवी के साथ हीरालाल दास उठना बैठना करने लगा, जिसके बाद दूसरी पत्नी काजल ने उससे पूछा तो हीरालाल ने कहा कि ये मेरी पत्नी है, तुम इसकी सौतन हो, तुमसे नौकरानी के लिए हमने शादी किया है, रहना है तो रहो नहीं तो चली जाओ। इसके बाद जब उसने विरोध किया तब काजल के साथ मारपीट और गाली गलौज करके वहां से भगा दिया, जिसके बाद काजल दिल्ली से भागलपुर पहुंची और यहां पर महिला थाने में लिखित शिकायत कर आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता काजल ने बताया कि शादी के बाद वो मुझे दिल्ली लेकर गए जहां पर उनकी पहली पत्नी थी। एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर के पद पर वो कार्यरत है। मेरी सौतन संगीता का कहना था कि पति से शादी तुमसे हमने इसलिए करवाया कि तुम यहाँ पर नौकरानी बनकर रहो, वरना यहाँ से चली जाओ, विरोध करोगी तो यहीं मार देंगे। फिलहाल मामले को लेकर महिला ने पुलिस से शिकायत की है। मुझे धोखे से शादी अपने पति से करवा दिया देवर करके, और दिल्ली में जाके मेरा बहुत बुरा हाल किया, मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया उसने, और बोला कि मार काट के नहीं फेंक देंगे दिल्ली में, तुम्हारा मम्मी पापा भी कोई साथ नहीं देगा। संगीता ने मेरा सौतन था, शादी कराया था यहीं पे गाँव में। हाँ, कैसे शादी हुई थी तुम्हारी? बहुत अच्छे से, जैसे होता है शादी। घर से हुई थी या मंदिर से? नहीं, घर से हुआ था। दहेज भी? नहीं, दहेज नहीं, बिना दहेज। हाँ, दिल्ली में जब गया ना तो उसके साथ सोने बैठने लगा ना, तब मैं उसे सब सब सवाल पूछने लगा, तो बताया उसने कि मेरा पत्नी है। तो फिर मैंने बोला कि क्यों छल किया मेरे साथ, ऐसा तो आपको नहीं करना चाहिए था। तो बोलने लगा क्या उसे भी रखूंगी तुझे भी रखूंगी, पर उसने बोला क्या मेरा सौतन है, तुझे तो रखूंगी पर सारा काम करना पड़ेगा घर का,
और मेरा नौकरी लग जाता तुझे रखती, अगर नौकरी तो अभी नहीं लगा है तुम अपना घर जा सकती हो। वही बोला हमने कि इस्तेमाल करने के रखा मुझे यहाँ पे, तो मैं नहीं रहूँगी, मैं अपना गांव पहुँचा दूँगी, सारे बात वो तो बोल दूँगी मैं अपने मम्मी पापा से। यही बोला कि मार काट के यहीं फेंक देंगे। अब क्या चाहती हो तुम? अब क्या चाहते हैं, उस पर केस ठोकेंगे और क्या करेंगे, उसके साथ नहीं रहना। नहीं। नौगछिया पुलिस जिला की निवासी पूनम देवी अपने पति पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा विनोद मंडल से परेशान है। वो रो रोकर कहती है कि मेरे पति ने फर्जी संबंध विच्छेद का कागज तैयार कर लिया है, वे अब मुझे मारपीट करते हैं, कभी कपड़ा फाड़ देते हैं तो कभी मुंह में कपड़ा ठूस कर जान से मारने की धमकी देते हैं। जबकि मेरी शादी राजी खुशी से हुई थी, अब मैं 40 वर्ष की हूँ, मुझे एक पुत्र भी है। मेरी सास ससुर भैसुर और गोतनी सभी मिलकर भद्दी गालियां देते हैं और कहते हैं कि बच्चे को छोड़कर मेरे घर से निकल जाओ। मैंने हर थाने और वरीय अधिकारी का दरवाजा खटखटाया है, परंतु कहीं मुझे इंसाफ नहीं मिला। अब मैं कहां जाऊं, मेरे पिता भी वृद्ध और असहाय हैं। बताते चले कि इस पीड़ित महिला के पति आज से 5 वर्ष पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके पति विनोद मंडल ने अपनी पति पूनम देवी को 2023 में नगर परिषद नौगछिया से चुनाव भी लड़वाया था, जिसमें इसे हार का सामना करना पड़ा था। बहरहाल पीड़ित पूनम देवी ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ मारपीट और घरेलू हिंसा से संबंधित महिला थाना भागलपुर में लिखित शिकायत की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पीड़ित महिला के साथ क्या इंसाफ किया जाता है या फिर पूनम देवी यूं ही भटकती रहती है। मेरे भैसुर जो मेरा घर बर्बाद पूरा कर दिए हैं, अब मेरा उम्र 40 साल हो गया, गलत गलत आरोप लगा के घर से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरा उम्र हो गया सर 40 साल, उम्र पुण्य लगा, मेरा 17 साल का बेटा, एक छोटा बेटा है सर, हम लेके कहां जाएं? कभी कभार तो बच्चा छीनने लगता, बच्चा को रखेंगे तुम निकलो घर से, कभी गला दबाने लगता, कभी कपड़ा फाड़ के मारता सर, बहुत बेइज्जत करता सर। आज आए बाहर से आए तो मेरा फ़ोन पहले तो छीन लिया हाथ में, तुम किससे बात कर रही थी? तो सर हम अपने पापा से बात कर रहे थे। उसके बाद देखिए वो हमको गंदा गंदा गाली देने लगे, और उसका पूरा परिवार उसका साथ देता है, घर से भगाता है सर। कभी खर्चा पानी भी मांगने जाते तो बहुत मारता है मेरे को, पीटता है सब मिलके। अभी हम महिला थाना पे आए थे, आवेदन देने आए तो बोले कि आपका पति आपको रखना नहीं चाहता है, आपके सास ससुर के साथ आपका मतभेद चलता, वो भी बोलते हम इसको नहीं रखेंगे। उसके बाद आप पहले भी देने आए हैं आवेदन, आपका विषय बोलता है कि करेक्टर खराब है इस लेडीज़ का, हम इसको नहीं रखेंगे सर। आज तो मारपीट का देना आज, हाँ आज मारपीट करने का था, वो भी हम बोले कि मैम आप लीजिए आवेदन, तो मैम बोली हम इसमें नहीं कुछ कर सकते, कानून का है ही, कानून तरीका से सॉल्व कीजिए। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के उर्दू प्राथमिक विद्यालय करिया रहमतपुर की प्राध्यापिका अब्दा खातून और शिक्षक अमित कुमार के बीच मारपीट में अब्दा खातून गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि स्कूल में दक्षता प्रतियोगिता को लेकर बच्चों की परीक्षा चल रही थी। शिक्षक अमित कुमार बच्चों को नकल करा रहे थे। जब अब्दा खातून ने इसका विरोध किया तो अमित कुमार ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अब्दा खातून ने मामले को लेकर महिला थाने में आवेदन दिया है। मिशन दक्ष का एग्जाम चल रहा था, बच्चा सब अपना एकदम सही में बैठ कर लिख रहा था, लेकिन ये आकर के अमित कुमार टीचर आकर के उसको नकल करवाने लगा। इसी में हम बोले कि आप जाइए बाहर, बच्चे को आप नकल नहीं करवाइए, अपने से लिखेगा बच्चा। इसी में हमको एकदम छीना झोपड़ी मारा पीटी एकदम आ गया, मारपीट पर आ गया, एकदम पूरा ब्लड हाथ फाड़ दिया है, देखिए कपड़ा मेरा देखिए फाड़ दिया, मेरे सीने पर हाथ लगा दिया, सब कर दिया। हाँ, मारपीट किया, एकदम गिर गए, हम गिर गए, चार चितांग गिर गए। हाँ, बचे, किसी तरह बच के निकले हम। इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में पूरा बिहार है। भागलपुर में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी का असर लोगों की दिनचर्या पर पड़ रहा है। उमस भरी गर्मी कारण लोग घर से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। भागलपुर की सड़कों पर लोगों की आवाजाही काफी कम हो गई है। लगातार तापमान बढ़ने से लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ रहा है। जरूरी काम से घर से बाहर निकलने वाले लोग गर्मी से खासा परेशान नजर आ रहे हैं। गर्मी तो सर क्या बोलूं कि मतलब आज सुबह 5:30 बजे उठा मैं, नहाने के बाद मतलब बाथरूम से रूम आते आते पसीना पूरा हो गया, ठीक है। और चूँकि ड्यूटी है सर, निकलना तो है ही, लेकिन निकलने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, ठीक है। ऐसी उमस की गर्मी है कि सर मतलब बार बार मेरे एक रुमाल है सर, वो मैं दिखाऊंगा कि वो भींग गई है, ठीक है। पसीना रुक नहीं रही है, हवा चल नहीं रही है, और इस गर्मी में कैसे मतलब काम किया जाए ये मतलब विचारणीय है सर। बहुत मजबूरी है सर, मजबूरी तो काम पे जाना ही है। भागलपुर में कहलगांव पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते चले कि विगत 26 मई को भागलपुर के घोगा थाना क्षेत्र के बिसरी स्थान के पास एक कपड़ा व्यवसायी से 3-4 अज्ञात अपराधियों द्वारा 5,50,000 रुपए की लूट कर ली गई थी। पुलिस ने इस मामले का सफल उद्भेदन करते हुए रकम के साथ 2 अपराधियों को धर दबोचा है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान पिंटू मंडल उर्फ पिंटा और कीरो मंडल के रूप में हुई है। पुलिस ने अपराधियों के पास से लूटे गए रकम और लूट की रकम से खरीदी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन के साथ घटना में प्रयुक्त टोटो भी मत किया है। घोघा थाना अंतर्गत बिसहरी स्थान पर एक कपड़ा व्यवसायी से लगभग 5,00,000 रुपए से भरा बैग को छीन लेने का मामला प्रकाश में आया था। मामला को आते ही एक विशेष टीम की बड़ी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा गठित किया गया था, और टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही साथ उनके पास से 63,000 रुपये लूट के पैसे से खरीदा गया बाइक, लूट के पैसे से खरीदा गया मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त टोटो की बरामदगी कर ली गई है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। पीरपैंती थाना क्षेत्र के पीरपैंती बाजार से शेरमारी मार्ग पर ट्रैक्टर वाले ने ट्रैक्टर से युवक को धक्का मार दिया, जिसमें सुल्तानगंज निवासी जनार्दन शर्मा के पुत्र त्रिदेव शर्मा घायल हो गए। घायल युवक के जीजा सोनेलाल शर्मा ने बताया कि त्रिदेव शर्मा पीरपैंती भाड़े पर घर लेकर पढ़ाई और कमाता है। अचानक एक ट्रैक्टर वाले ने पीछे से धक्का दे दिया। वहीं त्वरित पीरपैंती थाना के गश्ती गाड़ी द्वारा ट्रैक्टर को जब्त कर घायल पीरपैंती रेफर अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखकर मायागंज रेफर कर दिया। घायल के जीजा सोनेलाल शर्मा द्वारा आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। घटना यह हुआ है कि पूरा ट्रैक्टर से उसने उसको चौंक दिया गया है। किसको? त्रिदेव कुमार को। ट्रैक्टर से? त्रिदेव कुमार शर्मा को, ट्रैक्टर में सर। वो टहलने के लिए निकला था सवेरे 6 बजे, जैसे जानकारी हुआ ऐसे हम तुरंत आई हैं। आते हुए देखते हैं कि त्रिपैती मैं हॉस्पिटल में गया था, हॉस्पिटल से मायागंज रेफर किया सर। यहीं पे किराया पे लेबर आदमी है सर, काम करता था और पढ़ता लिखता था सर।